नमस्कार दोस्तों, एशियो फ्रेंजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आप मेरे साथ पढ़ेंगे फिजिक्स। अगर फिजिक्स का सिलेबस देखा जाए तो इसमें चार टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका एनर्जी से संबंधित, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा हुआ है आपका लाइट और फोर्थ है आपका चुंबक से संबंधित या मैग्नेट से संबंधित टॉपिक। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से संबंधित टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा और एनर्जी और लाइट से संबंधित टॉपिक निखत मैम पढ़ाएंगी। अब हम आगे बात करें किसी टॉपिक के बारे में तो फिजिक्स का पेपर पिछले दो वर्षों में किस प्रकार से आया है इसके बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो यदि आप पेपर देखते हैं तो 30 क्वेश्चंस दोनों ही वर्ष पूछे गए हैं इस फिजिक्स के पोर्शन से, जब 5 सेक्शन हुआ करते थे। इस साल जब 7 सेक्शन हो चुके हैं इसमें तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिजिक्स के सेक्शन से। अब और अगर आप पेपर देखें तो आप पाएंगे कि लगभग 60% जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वे क्वेश्चन संबंधित थे कॉन्सेप्ट से। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस हैं लगभग 60% क्वेश्चंस, मतलब 18 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, फैक्ट आधारित किया है, पर्टिकुलर किसी चीज़ की यूनिट पूछी हुई है, किसी का मान पूछा हुआ है। तो इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं उनकी संख्या लगभग 6 से 7 है। लगभग हम कह सकते हैं कि 20% के आसपास इन्होंने फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, कुछ डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन पूछा है और इस तरीके से इन्होंने 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए थे। इस वर्ष भी अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग यही कंडीशंस होंगी, 60-70% क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे और जो चीज़ें बचेंगी उनमें फैक्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स शामिल होंगे। ये बात होती है क्वेश्चंस के पेपर के में अगर आप देखेंगे तब। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या इसका सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम केमिस्ट्री का सिलेबस में देखते हैं कि अगर केमिस्ट्री का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वे सिलेबस में जो बातें लिखी गई हैं उनसे तो पूछे ही जा रहे हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिलेबस में नहीं लिखे गए हैं और वे उन टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेकिन फिजिक्स के पेपर में आप देखेंगे तो फिजिक्स के पेपर में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। जो बातें टॉपिक लिखी गई हैं, जो बातें सिलेबस में हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिजिक्स के साथ सबसे अच्छी सरल चीज़ तो ये हो जाती है कि बिल्कुल भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात और होती है एक कि क्या 10th क्लास का सिलेबस अगर दिया गया है तो 10th क्लास की बुक ही हमें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, केवल 10th क्लास की बुक से ही ये पूरा सिलेबस और सारे क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें बना पाना संभव नहीं होगा। आपको कुछ क्वेश्चंस 10th क्लास की बुक में ही मिल जाएंगे, कुछ आपको CBSE बोर्ड की कुछ अच्छी किताबों में मिल सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस के लिए, खासकर जो फैक्ट आधारित क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के लिए आपको 12th की बुक भी पढ़नी चाहिए। हम अपने इस कोर्स में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जिस तरीके का ज़रूरत होगी उन चीज़ों को शामिल करेंगे। ठीक, अब यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को स्टार्ट करूँ जो मैं पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो पहला टर्म आप देखते हैं कि एक खूबसूरत सा शहर आपको दिख रहा है और ये खूबसूरत सा शहर क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को शो कर रही है आज की डेट में। जो कंट्री जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को, वह कंट्री उतने ज़्यादा डेवलप है। ठीक, और इन्हीं सब को बात को ध्यान रखते हुए हम भी इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम भी इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने जाएंगे तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा चार्ज के बारे में। इसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब चार्ज आप सिंपल तरीके से जानते हैं कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। आप सब लगभग साइंस के स्टूडेंट ही हैं, मतलब साइंस आपने 11th 12th में फिजिक्स कुछ ना कुछ तो पढ़ी है। हम कुछ बेसिक बातों को यहाँ पर रिकॉल करेंगे। हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पर पता हैं, लेकिन क्योंकि एक लंबा वर्ष हो चुका है हमें इन चीज़ों को पढ़े हुए तो हम इसको रिकॉल करते हुए आ चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए चार्ज के बारे में। तो चार्ज आपने जाना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज के साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज मैं लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। ठीक, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि निगेटिव चार्ज के पास कोई पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तब क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम चार्जेस जो होते हैं,
पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, वो रिपल कर रहे होंगे और अपोजिट चार्ज होंगे। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव हैं, ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हुआ चार्ज की बात। अब यदि अगर आप चार्ज को और आगे देखें, तो अब चार्ज को समझने के लिए हम चार्ज का डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर यदि आप चार्ज का डेफिनेशन देखते हैं, तो आप क्या पाएंगे, ये चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। ये क्या है, फिजिकल एंटिटी है विच इज डिफाइंड। वो कैसे डिफाइन हो सकता है, वो डिफाइन होता है किसके अधिकता से और कमी से, किसके, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या उसकी कमी से क्या होगा, चार्ज डिफाइन किया जा सकता है। मतलब चार्ज को अगर आपको बताना है कि कोई चीज या कोई बॉडी पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बताना होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन कम है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी के आधार पर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बता सकते हैं। वो कैसे, अब इन चीज़ों को हमें जानना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जानना कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन क्या है जिसकी अधिकता से या कमी से कोई बॉडी चार्ज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, एटम का स्ट्रक्चर समझना होगा, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर। तो जब आप एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, नाभिक है। नाभिक में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक पाया जाएगा प्रोटॉन, एक पाया जाएगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को कहा जाता है, ये प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एटम के आउटर सरफेस पे होते हैं और इनका चार्ज होता है निगेटिव। यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। अब देखिए, पहली बात, नाभिक से इसकी काफ़ी दूरी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की काफ़ी दूरी है, और यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो जिस बॉडी से ये निकलेंगे वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यदि किसी बॉडी पर ये आता है, मतलब ये निगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये बॉडी हो जाएगी निगेटिव। यानी कि जिस बॉडी पर अधिकता हुई वो बॉडी हो गई क्या, निगेटिव बॉडी, और जिस बॉडी में कमी हुई वो क्या हो गई, पॉजिटिव बॉडी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है वो क्या हो गई, निगेटिव हो गई। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब भी हम किसी बॉडी को कह रहे होंगे, वहाँ पर केवल हम यह कह रहे होंगे कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकला है या उसमें इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही चार्ज को डिफाइन करती है। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात, यानी कि चार्ज को अब हमने समझ लिया। अब प्रश्न ये भी आता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहे हैं, न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो यदि आप ये देखेंगे, तो सबसे पहली बात तो यहीं आपको देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, किसी भी एटम के आउटर सरफेस पे हैं, तो इनका यहाँ से निकलना क्या है, आसान है, पहली बात है ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यदि आप कुछ प्रॉपर्टी देखें, चाहे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इनका मास। अगर आप इनका मास देखेंगे, तो 1.67 × 10⁻²⁷, न्यूट्रॉन भी 27 और इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो −31। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको कुछ रिलेटिव करता हूँ। अगर हम कहते हैं कि प्रोटॉन का मास अगर 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 0.0005, मतलब अगर 1 kg प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का वेट 1 kg है, तो 0.0005 kg का होगा इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जो मास है इसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, वो काफ़ी हल्का होता है, तो उसका किसी भी एटम से बाहर निकलना क्या होता है, आसान होता है। अब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, कुछ चार्ज होता है। अब हम कह रहे हैं चार्ज, चार्ज की पूरी बात हो रही है, इसमें एक चार्ज होता है, वो चार्ज की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव। अब इस कूलम को भी हमको समझना है। देखिए, हमने समझा चार्ज, चार्ज के बाद हम समझ लिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, हम इसको भी समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली टर्म आ गई हमारे पास कूलम की।
इसे भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक कोई बॉडी है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर है, तो वो बॉडी सिंपल तरीके से है, ना वो पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो वो बॉडी क्या हो गई, निगेटिव हो गई, निगेटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अब यदि और आगे देखें तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। इन दो एग्जाम्पल को आपने काफ़ी बेहतर तरीके से देखा होगा, चाहे आप 10th क्लास की बुक देखें या 12th क्लास की बुक देखें। हम जब भी चार्ज को समझ रहे होते हैं तो हमें इन दोनों को समझना होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल बोलता है कि एबोनाइड रॉड रब्ड विथ फर एक्वायर निगेटिव चार्ज। देखिए, ये दो स्टेटमेंट जरूर है लेकिन अपने आप में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी अपने साथ रखते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इन्हें पढ़कर निकल जाएंगे, लेकिन जिस दिन ये क्वेश्चन के रूप में आ जाएंगे तो आपको लगेगा इतनी सिंपल चीज़ आपसे कैसे नहीं बनी, क्वेश्चन क्या बन सकता है। कि अगर मैं, मान लीजिए ये है ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जा रहा है तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आ रहा है, आपको क्या याद है? याद नहीं है तो याद रखिए इस चीज को कि यहां पर देखिए, ग्लास रॉड रब विथ सिल्क क्लॉथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आया, निगेटिव चार्ज, यहां क्या है, एबोनाइट रॉड रब विथ फर एक्वायर निगेटिव चार्ज, एबोनाइट पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, फर पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब आप इसको पूरी तरीके से बता सकते हैं कि सिल्क में कौन सा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ग्लास से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस तरीके से चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और पर्टिकुलर एक फैक्ट के रूप में यहां पर पूछा जा सकता है। और दो एग्जाम्पल लगभग आप सभी जगह यूज होते हुए देखेंगे और ये कभी भी क्वेश्चन में बन सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इन बात को आप फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि किसमें पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और किसमें निगेटिव चार्ज हो रहा है। ठीक, अब यदि देखें, जैसा कि हमने कहा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है, वो हमने देखा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये क्या है, इतना एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है तो हमें जानना चाहिए कि कूलम क्या है। तो 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, एक कोई बॉडी है अगर, तो कोई बॉडी में कोई केवल एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ना होकर वहां पर क्या हो सकते हैं, कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब कई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे, और कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ न्यूटन 9×10⁹ ऑन ए इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो अपने से 1 मीटर दूर किसी चार्ज पर उतना फोर्स लगाती, कितना फोर्स लगाती है, इतना न्यूटन का फोर्स लगाती है। अब ये भी आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है कि जब दो चार्ज 1 मीटर की दूरी पर हों, है ना, और वे अपने ऊपर इतना चार्ज, इतना फोर्स लगा रहे होंगे, कितना, 9×10⁹, तो ये क्या कहलाएगा, 1 कूलम कहलाएगा। ठीक, ये याद रखेंगे आप। फिर यदि आप देखें तो जैसे हमने अभी कहा कि बॉडी है और इस बॉडी पे कई इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए, देखिए चार्ज को हम डिफाइन करते हैं किससे, चार्ज को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप चार्ज को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कहें हम, तो क्यू से। अब क्यू से अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो चार्ज, हमने कहा कि क्या हो रहा है, चार्ज को हम करें इलेक्ट्रॉन के जाने या इलेक्ट्रॉन के कमी से या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, तो ये डिफाइन हुआ है किसी इलेक्ट्रॉन के रूप में। किसी बॉडी में केवल एक इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर, कितने भी हो सकते हैं, कितने नंबर हो सकते हैं, n नंबर हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, चार्ज को कैसे हम डिफाइन करेंगे, चार्ज अगर q है तो ये क्या हो जाएगा, ne। तो इस तरीके से आप चार्ज को देखेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये नंबर, ये क्या हो जाएगा, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिखा देगा पूरी तरीके से, चार्ज को रिप्रेजेंट कर देगा किसी बॉडी में कितना चार्ज है। इस n के साथ एक खास बात ये है कि ये क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। मतलब देखिए, पहला तो हो गया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 नंबर हुए, और दूसरी बात यह कि केवल यह हाफ नहीं हो सकता, मतलब आप कहें कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन, 2.3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं होगा, ये नंबर क्या होंगे,
कोई नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 या n, हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, बट नंबर क्या रहेंगे, ये दशमलव प्रणाली को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो ये क्या होगा, n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही हमको दे रहा होगा। तो q क्या हो जाएगा, q इक्वल टू एन ई, एन ई क्या है, चार्ज है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से आप चार्ज को समझ गए होंगे। अब यदि हम और आगे देखें तो हम ये पाएंगे कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया कितना है, ये इतना है, इसको आप नोट रखिए, याद रखिए, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक, ये आपको चार्ज हुआ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये दो बातें आपने देख ली। यहाँ तक हम कुछ सिंपल बातें की हैं, अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटेड ऑन वन कूलम ऑफ चार्ज। वन कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वन कूलम चार्ज जो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमने देखा कि चार्ज, चार्ज में हमने देखा क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक, अब एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, चार्ज हमने कहा था क्या, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक, हम चार्ज कह रहे हैं कितना, वन, एक चार्ज के लिए, वन कूलम के लिए कितना हो, तो एक चार्ज पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम वन रख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हम अगर कह रहे हैं नम कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग ऑन वन कूलम ऑफ चार्ज, वन कूलम ऑफ चार्ज, तो ये वैल्यू कितना दे दिया है इसने, वन, तो ये वैल्यू हो गई वन, ये है एन, इसकी वैल्यू हमारे पता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻¹⁹ और यहाँ पर हो जाएगा 1.6। अगर आप दशमलव को हटाना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10⁻¹⁹ और एक 16। अब आप 16 इसको 100 कर लीजिए, आप इसको 18 कर लेते हैं, यहाँ आ गया आपका 16। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10⁻¹⁹। ये वैल्यू आपको इस कैलकुलेशन से मिलेगी। सिंपल सी बात है, आप चाहें तो इस चीज़ को फैक्ट के रूप में याद भी रखिए। क्या याद रखेंगे आप, n। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज जो बना हुआ है, हम कह रहे हैं चार्ज है, एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, 6.25 × 10⁻¹⁹। ये दशमलव लगा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दशमलव प्रणाली को फॉलो कर रहा है, 10⁻¹⁸ है यहाँ पर, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक कूलम बनता है, ये फैक्ट के रूप में आप याद रखेंगे। ये भी कभी भी पूछ सकता है आपसे, 6.25 × 10⁻¹⁸, इतने इलेक्ट्रॉनों से क्या बना, एक कूलम चार्ज बना है। अब और देखते हैं आगे, अभी चार्ज हमारा टॉपिक कंप्लीट जैसे हो रहा है, तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं उनको हम समझ लेते हैं सिंपल तरीके से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होते हैं, जो सेम टाइम के चार्ज हैं, मतलब निगेटिव निगेटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, कि एनर्जी को ना ही खत्म किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से चार्ज का भी होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, चार्ज को आप क्या करते हैं, बनाते नहीं हैं, तो ये भी कंजर्व्ड होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है। तीसरा है, ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब आप एक बॉडी देखते हैं, एक बॉडी में कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे क्या बनता है, चार्ज बनता है, और वो क्या है, किसी भी दशमलव प्रणाली को फॉलो नहीं करता, वो नेचुरल नंबर को फॉलो करता है, तो इसलिए। और फोर्थ है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडेड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस को ये मानता है, और इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर, ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दो चीज़ें खासकर फैक्ट ग्रुप में काफ़ी आ रही हैं, दो क्वेश्चंस आपकी यूनिट पर पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है। तो अगर आप बेसिक रूप से स्केलर या वेक्टर को समझें, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, हमारे लिए परिणाम वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यू हमें अगर इसकी पता है, हमें इसका परिणाम पता है, इसका मतलब है कि हमने उस चीज़ के बारे में जान लिया है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू
साथ साथ उनका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अगर हमें डायरेक्शन पता नहीं है उनका तो हम क्या करेंगे, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का हमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही पता होता है। अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये तो हमारा कन्वेंशंस है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है या इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो होता है हमने अपने तरीके से बना लिया है, कन्वेंशंस किया है। किसी को पर्टिकुलर पता नहीं है कि वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये क्या है, एल्जेब्रिक सम ही हम इसका करते हैं और क्या है ये, स्केलर है। कौन सी चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को आप भी याद रखेंगे। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सबसे बहुत बेसिक बात इसमें कही जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इट इज डिफाइंड इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर टर्म आई है इसमें, कोई क्रॉस सेक्शन आया है इसमें और इलेक्ट्रिक चार्ज आया है। इन चीजों को हम धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रेट है मतलब इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं देखूं तो हम कहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, एक टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। फ्लो कहां से होंगे, किस क्रॉस सेक्शन एरिया से होंगे। मतलब मैं कहूं कि ये कोई एरिया है, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो होते हैं वही क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कहला रहा है। और एक बात और होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के विपरीत होती है। यदि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे वो क्या कहलाएगा आपका, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये चार्ज जितना फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और करंट फ्लो होने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये भी हमारा कन्वेंशन है, हम ये नहीं कहते, क्योंकि देखा यही गया है कि जिस तरह से टर्मिनल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, यानी चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देंगे तो वो क्या बन जा रहा है, चार्ज बन जा रहा है। ठीक, तो जितने चार्ज का ट्रांसफर होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा। अब अगर इसकी एसआई यूनिट देखें, तो अगर आप करंट का एसआई यूनिट देखेंगे तो आप इसको देखते हैं एम्पियर से। ठीक, चार्ज का अगर आप देखें तो आपने इसको देखा कूलम से, और टाइम का आप देखेंगे तो क्या होता है, सेकंड से। देखिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं किसी चीज को मापने के लिए मात्रक के रूप में, यूनिट के रूप में, वो हम फॉलो कर रहे हैं एसआई यूनिट को। कुछ और पद्धतियां, कुछ और सिस्टम होते हैं जैसे एमकेएस सिस्टम है ना, वहां पर चीजों को डिफाइन करना अलग तरीके से किया जाता है और SI यूनिट में कुछ अलग तरीके से किया जाता है। इसके बारे में भी हम कुछ एक क्लास में, आधे घंटे की क्लास हम इस पर कर सकते हैं कि यूनिट किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो टाइम है वो मिनट में डिफाइन ना होकर सेकंड में डिफाइन होता है, कहाँ, SI यूनिट में। ठीक, किलोमीटर में कोई लंबाई डिफाइन ना होकर कहाँ इसमें होती है, मीटर में होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा कूलम, ये हो जाएगा एम्पियर। तो यदि आपसे कोई कहे कि एम्पियर कैसे बना, देखिए करंट का यूनिट हम कह रहे हैं एम्पियर होता है, तो ये एम्पियर कैसे बनता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड हमने लिया हुआ है, हमने चार्ज लिया हुआ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम ले रहे हैं, तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड क्या हो जाता है आपका, एम्पियर बन जाता है, कूलम पर सेकंड। ठीक, या आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, निगेटिव लगा सकते हैं, तो इस तरीके से भी या इस तरीके से, कूलम पर सेकंड क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। अब ये कैसे हुआ कि एक एम्पियर कितना होगा, अगर आप वन एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं तो वन एम्पियर, वन हुआ, वन कूलम, वन सेकंड है ना, तो एम्पियर, वन एम्पियर अगर आप कहेंगे तो वन कूलम पर सेकंड। मतलब कि इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें एक सेकंड में, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे वो करंट क्या कहलाएगा, वो करंट कहलाएगा एक एम्पियर। तो एक एम्पियर करंट क्या हो गया,
किसी क्रॉस सेक्शन में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वह क्या कहलाएगा, आपका एक एम्पियर चार्ज कहलाएगा। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होगी अगर इलेक्ट्रॉनों को दृष्टि से देखा जाएगा तो। जैसे हमने कहा कि चार्ज में एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपने बताया हम कि 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। उसी प्रकार से एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जितने चार्ज का फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक एम्पियर कहलाएगा। तो अब आप एम्पियर भी समझ गए होंगे और करंट का ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर, चार्ज का क्या है कूलम और टाइम का आप जान गए सेकंड। अब ये एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था हमारे 2016 के एसीएफ के एग्जाम में, पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू करंट, करंट के बराबर कौन है। तो करंट को हमने अभी देखा, क्या देखा था हमने, करंट कैसे हो रहा था, चार्ज पर्टिकुलर टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन में जितना फ्लो हो रहा था। तो इस तरीके से हम देख रहे थे करंट, चार्ज और टाइम। यहाँ देखें तो चार्ज और टाइम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा एक फॉर्मूला था, उसके ऊपर आपके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब जब आप आगे पढ़ लेते हैं तो जरूर कुछ कन्फ्यूज होने के कंडीशंस आएंगे। जैसे आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर भी आप करंट के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी करंट जब आ रहा होगा तो आप उस तरीके से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से लेकर अंत तक कॉन्सेप्ट पे रहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने अभी इसको पढ़ा और अभी क्वेश्चंस बनाया तो ये हमारे लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमने एक ही चीज़ तो पढ़ी है करंट के बारे में, करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट शामिल हो जाएंगे और करंट को आप अलग अलग तरीके से देख लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण लोगों ने गलतियां भी इसमें की थी। लेकिन अगर अभी समझें आप तो क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और I क्या होता है इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो अब तक हमने ये जान लिया चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और करंट के बारे में, लेकिन ये करंट फ्लो कहाँ पे हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं और वे कौन सी बॉडी हैं, वे कौन से पदार्थ हैं जहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, उसे भी हम अब जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर आप सब्सटेंस देखें तो सब्सटेंस आपको दो तरीके के देखने के मिलेंगे, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है आपका इंसुलेटर। अब कंडक्टर कौन होता है और इंसुलेटर कौन होता है, ऐसी कोई बॉडी जो क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रखती है यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देती है, वो क्या है कंडक्टर है। अगर आप देखें तो मेटल जितने भी हैं, जैसे चांदी हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है कंडक्टर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री तरीके से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, यानी फ्लो हो सकता है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाते हैं कंडक्टर कहलाते हैं, यानी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये क्या करेंगे करंट को फ्लो करा सकते हैं। दूसरा होगा कौन इंसुलेटर, यहाँ पर क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और इस कारण यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो सकता। एक तीसरी चीज़ है सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर जो है ये जो मॉडर्न फिजिक्स है या कहें कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी उपयोग हो रहा है, लेकिन ये जो है इन दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ये क्या रहते हैं इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, हमें अभी फोकस करना है इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से कंडक्टर और इंसुलेटर पर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर पर आप देख रहे हैं तो कंडक्टर पे हम हर बार यूज़ कर रहे हैं क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि मानो कि मेरा ये मार्कर है, मार्कर ये मेरा मान लीजिए आयरन लोहे से मिलकर बना हुआ है, अगर ये लोहे का है और हम कह रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या इससे क्योंकि मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मुझे करंट लग सकता है। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे इसमें से क्या हो सकता है करंट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, अब इस क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढने चलते हैं। देखिए पहले क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कंडक्टर्स में होते हैं और इंसुलेटर्स में नहीं होते, ठीक। अब लेकिन कोई बॉडी को जैसे हम टच कर रहे हैं और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उन वहाँ पर भी हमें करंट नहीं लगता, उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर आप उसका रीज़न देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी बॉडी में, अगर आप इन सिंपल किसी बॉडी को देखेंगे तो वहाँ पर मोशन होगा उनका रैंडम मोशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरीके से है तो इस दूसरे की उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट उनका मोशन क्या है रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन होने के कारण ये कोई भी करंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर इनके डायरेक्शन को
एक सिंगल डायरेक्शन में डाल दिया जाए, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम इसको कर दें तो यहां पर से हमें क्या मिल सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, यहां पर करंट आ सकता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है करंट, लेकिन क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप देखिए अगर हम आप डेफिनेशन को करंट को और करेक्ट करें तो करंट का डेफिनेशन और सही कैसे हो सकता है कि फ्लो ऑफ चार्ज तो है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज तो है लेकिन उन चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब सिंगल डायरेक्शन में वो फ्लो होने लग जाते हैं तभी क्या हो सकता है करंट फ्लो हो सकता है। देखिए पहले अगर मैं कहूँ ये रॉड है, आयरन रॉड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कैसे हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं, बट अगर हम मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर दें हम इन सबको तब क्या हो सकता है वहाँ करंट फ्लो हो सकता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब हम देखें तो ये हमारा सर्किट हुआ, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएं। तो इसके लिए हमें कोई बैटरी या सेल का इस्तेमाल करना होगा जहां पर क्या होगा एक निगेटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज क्रिएट होगी, यहाँ से एक नई टर्म आएगी आपके पास, यहाँ क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम अभी समझेंगे आगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इस सेल के कारण हुआ, इस कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुए, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और करंट क्या हुआ, करंट फ्लो होने स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, और जब करंट फ्लो होना स्टार्ट किया तो ये बल्ब जल गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, हम कोई सेल यूज़ करेंगे और वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी क्या हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। हमको इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी होती है तभी हम करंट का फ्लो करा सकते हैं। अब यहाँ तक की बात तो हम समझ गए, अब हम क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस पर हम देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और क्वेश्चंस बनाना है यदि हमें, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें कुछ और छोटी बातों को ध्यान देना है। जैसे हमने बात की थी 1 एम्पियर करंट की, 1 एम्पियर करंट की बात जब हमने की थी तो हमने ये कहा कि एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। करंट की छोटी सी छोटी क्वांटिटी अपने आप में बहुत बड़ी होती है, ठीक। 1 एम्पियर करंट अगर किसी के शरीर में आ जाए तो वो बहुत ही घातक हो सकता है, और इसकी छोटी सी क्वांटिटी भी करंट की बहुत घातक हो सकती है। तो वो छोटी क्वांटिटी क्या हो सकती हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो उसे देखा जाता है MA, मिली एम्पियर से। मिली एम्पियर क्या, 1 एम्पियर इंटू 10^-3, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। एक होता है आपका माइक्रो एम्पियर, ये म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है 1 × 10^-6, ये क्या होता है आपका माइक्रो एम्पियर करंट। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और 1 एम्पियर, ठीक। तो ये क्या है उसकी छोटी क्वांटिटी है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट को एक छोटी मात्रा है, जिसे हम इन जनरल क्वेश्चंस में देखा करेंगे। तो क्वेश्चन की दृष्टि से आप मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को ध्यान रखिएगा। 1 एम्पियर तो आप जान गए हैं, मिली और माइक्रो को भी आप याद रखेंगे। आप क्वेश्चन देखते हैं, अ करंट ऑफ 130 मिली एम्पियर, ठीक, फ्लो थ्रू ए सर्किट ऑफ 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू दिस सर्किट। हमें ज्ञात क्या करना है, चार्ज की क्वांटिटी ज्ञात करना है, और हो क्या रहा है वहां पर, करंट फ्लो ऑफ 130 मिली एम्पियर। तो आपने अभी देखा था करंट में, हमने देख रहे थे तो करंट क्या होता है, हम देख रहे थे क्या, क्यू अपॉन टी, यही आपने देखा था। अब इसने दिया क्या है आपको, करंट की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को इसने दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है, कितना दिया है टाइम, 2 मिनट दिया है। तो हम सारा कैलकुलेशन किस में कर रहे होंगे, SI यूनिट में कर रहे हैं, हम SI यूनिट में कर रहे हैं तो हम मिनट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो सेकंड कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड। तो हमारा आई कितना है, 130 × 10^-3, ठीक, मिली एम्पियर में है इसलिए -3, और हमारा टाइम कितना है, हमारा टाइम दिया गया है 120। हम क्या आप क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को क्या ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, और इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, क्यू को ज्ञात कर लेंगे, ठीक। मतलब फॉर्मूले में आप केवल पुट कीजिए और आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीके के कुछ सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपके पास आ रहे हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ फॉर 10 सेकेंड। ठीक, यहां भी क्या एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज हो सकता है, हमें यह ज्ञात करना फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें पता करना है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा वही, आई क्या हो गया क्यू अपॉन टी, लेकिन हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देखा था क्यू, क्यू में हमने क्या लगाया था एन ई, एक चार्ज था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उनसे क्या बना है ये चार्ज बना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं एन ई और ये हो गया टी आपका। ठीक टाइम, अब आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। द फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास है कितना 1 एम्पियर, टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड। तो आप पुट कर देंगे आई की वैल्यू टी की वैल्यू, अब क्या पुट करेंगे आप ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहाँ पर आप इस चीज़ को पुट कर दें और किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो यदि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 × ये दिया हुआ है 10 और एन इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। अब आप इसे नीचे ला लीजिए 1.6 × 10⁻¹⁹ को और अब आप क्या कर सकते हैं एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ये कैलकुलेशन करने चाहिए और आप ही इन सेक्शन को क्या करेंगे कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कुछ क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं कि आप इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इनके आंसर बनाइए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो इस तरीके के सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़ा है वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, करंट को हम मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे या अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जैसे देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देंगे और थर्ड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही देंगे। हम इन क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, केवल दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से क्यू क्या होता है इक्वल टू एन ई और आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा और अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस चीज़ को एक बार फिर से आप देखेंगे, ये तीनों क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल तरीके से बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ से कुछ और नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वे नए कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सर्किट में देखा था, हमने सर्किट में जो चीज़ें पढ़ी, हमने चार्ज का फ्लो देखा, हमने करंट के बारे में बात की, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर सर्किट में बची हुई थी वह थी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की बात। हमने वहाँ कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया और उसी कारण क्या हो पाया है करंट का फ्लो हो पाया है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहाँ होगा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक टर्म आई है इसे भी हम बहुत अच्छे से अभी तक नहीं जानते। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट। देखिए एक जो चार्ज होता है, अगर मैं कहूँ कि ये क्यों चार्ज है, तो ये क्यों चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, एक एरिया बनाएगा जहाँ तक इस चार्ज का क्या रहेगा प्रभाव रहेगा। तो वो किसी चार्ज के कारण जो आसपास एरिया में उसका प्रभाव बनता है वो क्या कहला रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी चार्ज के कारण उसका जो एरिया बन रहा है जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं लाऊँगा तो ये क्या करेगा इसको रिपल करेगा, और नेगेटिव चार्ज लाऊंगा मैं इसको तो जैसे ही इस एरिया में आएगा ये क्या करने लग जाएगा उसे अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो ये क्या है किसी चार्ज के द्वारा बनाया गया एक एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में मैं कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई हम कहते हैं कि इन्फिनाइट से ला रहे हैं या किसी भी पॉइंट से हम इस चार्ज को इस फील्ड में लाना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। Defined as the work done in a moving unit positive charge from infinite to that point.
अर्थात इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अगर इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा अगर मान लीजिए वी से, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। मतलब देखिए, इस चार्ज को हमको कहाँ लाना पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़ रहा है, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो इस चार्ज को लाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक, अब ये वोल्टेज जरूरी क्यों होता है, इसको अगर हमें समझना है तो हम इसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माध्यम से। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए यह जरूरी होता है कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो। मतलब पोटेंशियल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। इसको अगर आप समझें ऐसे कि पानी का बहाव कैसे हो सकता है, पानी का बहाव कहाँ से कहाँ होता है, कम से ज़्यादा की ओर। हमेशा किसी भी चीज़ का, जैसे अगर आपने किसी गर्म चीज़ में, अगर चाय के कप में आप में एक चम्मच डाल देते हैं, तो हीट का फ्लो कैसे होता है, गर्म से ठंडे की ओर। मतलब अगर चम्मच ठंडा था तो चम्मच भी कुछ देर में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसी तरीके से जो करंट का फ्लो है वो भी क्या होता है, हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। तो करंट भी कैसे फ्लो हो सकता है, तभी फ्लो हो सकता है जब वहाँ पर हाई और लो दो चीज़ होगी। जैसे अगर सर्किट हमने देखा था, सर्किट में हमने बनाया एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल, बिना पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। और ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आपको समझना है, तो जैसे हमने कहा था कि ये एक चार्ज है, और चार्ज का क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है। तो हम कहें कि चार्ज का ये पॉइंट, इस चार्ज का एरिया क्या है, पॉइंट ए पर है। अब इस चार्ज को पॉइंट बी पर लाने के लिए, या इस चार्ज, यहां पर भी एक चार्ज है, ये पॉइंट बी है। अब इस चार्ज को इस एरिया में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए हमें जितना कार्य करना पड़ता है, वह कहलाता है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, और जितना डिफरेंस होगा उतना ही हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो इसको अगर आप देखें तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा बी इक्वल टू वर्क कितना करना पड़ रहा है हमें क्यू चार्ज को लाने के लिए। तो इसको अगर आप इस तरीके से लिखें, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू और क्यू, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चार्ज को हमको किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में हमने देखा है, इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर के किसी पॉइंट को हम ला रहे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि एक चार्ज के एरिया के अंदर ही हमें क्या करना पड़ रहा है, एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पर ले जाना पड़ रहा है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए जरूरी होता है, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। अगर इसका एसआई यूनिट आप देखें, तो एसआई यूनिट आप देखेंगे अगर, तो वर्क का क्या होता है आपका, जूल, और चार्ज का हमने अभी देखा क्या होता है, कूलम, और पोटेंशियल का क्या हो जाता है, वोल्टेज। तो अगर आप देखें कि एक वोल्टेज कितना है, कि एक वोल्ट कितना होगा, वन वोल्ट कितना होगा, तो वन वोल्ट कितना होगा, वन जूल वर्क करना पड़ रहा है हमें, किसके लिए, वन यूनिट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ रहा है। तो अगर इस प्रकार से इस डेफिनेशन में जाएं, तो वन वोल्ट क्या है, तो वन वोल्ट इज वैल्यू, वन वोल्ट क्या है आपका, वन वोल्ट वर्ल्ड है, वन जूल पर कूलम, वन जूल पर गुलाम क्या है आपका, वोल्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से जरूरी है, और यह किस प्रकार से करंट का फ्लो होने के लिए जरूरी होता है। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं अन्य चीजों को, कि आगे हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं अमीटर के बारे में। द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को जिससे हम मेजर करते हैं, किसको हम करेंगे, किसका मापन करेंगे हम, करंट का, किसका, करंट का, आई का। एन अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो पहला फैक्ट याद रखेंगे आप, अमीटर किस काम आता है, तो अमीटर काम आता है करंट को मापने के लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा फैक्ट रखेंगे याद, अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। क्या है ये, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइस। कैसे जुड़ता है वह, सीरीज में जुड़ता है। जैसे आपने देखा था सर्किट में वो क्या जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक। आपने देखा था ये सर्किट में किस तरीके से जुड़ा हुआ था, इस तरीके से वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था।
यहाँ पर। तो इस तरीके से अमीटर जो होता है वो कैसे जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है। तो ये क्या है आपका तीसरा फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। ठीक, तो अमीटर जुड़ता क्यों है सर्किट में, करंट को मापने के लिए। सेकंड पॉइंट, ये क्या है आपका, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। और ये कैसे जुड़ता है सर्किट में, ये सीरीज में जुड़ता है। तो किसी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर हमको ये जानना है तो हम किसके माध्यम से जानेंगे, अमीटर एक डिवाइस लगा देंगे और इसके माध्यम से हम जान जाएंगे कि उस सर्किट में करंट का फ्लो कितना हो रहा है। और दूसरी चीज़ हमें क्या जाननी होगी, दूसरी चीज़ हमें जाननी होगी कि हम वहाँ पर कितना वोल्टेज डिफरेंस है या कितना फ्लो हो रहा है वोल्टेज। तो वो कैसे करेंगे, तो वोल्ट मीटर क्या है हमारा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक, ये क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इसे कर रहे हैं मेजर। अब यहाँ पर आई की जगह वी को मेजर कर रहे हैं। ये वहाँ पर अमीटर क्या था, लो रेजिस्टेंस था, ये क्या है आपका हाई रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड विद इन पैरेलल। अमीटर कैसे जुड़ा हुआ था, सीरीज में जुड़ा था, ये कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, अपोजिट हो गया। हमने देखा था, क्या देखा था हमने, वहाँ अमीटर आई के लिए था, वोल्ट मीटर वी के लिए है, रेजिस्टेंस लो था, रेजिस्टेंस हाई है, और ये कैसे जुड़ा था सीरीज में और ये कैसे है पैरेलल। तो ठीक, अमीटर और वोल्ट मीटर आपके किस काम आ रहे हैं, करंट और वोल्ट को मापने के लिए, इस तरीके से हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं। अब एक टर्म और आ चुकी है यहाँ पर, अब लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस। तो अब हमें यह भी जानना होगा कि ये रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो सिंपल अभी अगर हम देखें तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर तरीके से ना फ्लो होने दें और उसके रास्ते में कोई बाधा बने तो वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसकी स्टोरी हम अब कल देखेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रेजिस्टेंस को वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने जब इतनी थ्योरी पढ़ी है तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो क्वेश्चंस अगर आप देखें आप, तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस को आप बनाने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये और इनके लिए छोटा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12। देखिए क्या पूछ रहा है, वर्क डन, हाउ मच वर्क, तो आप मैंने फार्मूला सीख लिया है वी इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, ये आपने जान लिया। अब इसके ऐसा यूनिट के आधार पर आप सेट करेंगे इस चीज़ को, तो ऐसा यूनिट के आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, 2 कूलम चार्ज का वैल्यू हो गया 2, ऐसा यूनिट में ही है कूलम में है, तो 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, यानी इसकी वैल्यू कितना दिया है उन्होंने 12, तो यहाँ पर 12 है यहाँ पर 2 है, तो W क्या हो जाएगा, वर्क ही पूछा है, तो वर्क कितना हो जाएगा, हमें कितना करना पड़ रहा है 24 जूल, वर्क इसमें कर रहे हैं हम जूल में, तो कितना वर्क हुआ 24 जूल। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एनर्जी देखिए, वर्क कितना करना पड़ेगा और कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ये देखिए टर्म यूज़ किया है, ये संबंधित भी है एनर्जी भी आपके किससे, इस पर्टिकुलर वर्क से ही। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन इन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सर्किट ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, तो ये एनर्जी भी कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, डब्ल्यू से, कितना वर्क करना पड़ रहा है, या हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ, ईच कूलम यानी 1 कूलम। देखिए यहाँ क्वेश्चन में शब्द बस बदला गया है, बाकी कंडीशंस वही है, यहाँ पर ईच कूलम बोला मतलब 1 कूलम के लिए, एनर्जी कहा है कितना वर्क करना पड़ेगा पासिंग थ्रू अ बैटरी वी, अगर यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू दी गई है, वी की वैल्यू दी गई है, तो अगर इस फार्मूले में आप रखें तो डब्ल्यू अपॉन की, तो 6 वोल्ट आपका दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, वर्क करना है हमें ईच कूलम के लिए यानी कि 1 के लिए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको 6 जूल। तो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आप
फॉर्मूला याद रखिएगा। आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे जैसे आपको फॉर्मूला याद होते जाएंगे आपसे ये क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। तो एक बार अगर हम रिवीजन करें कि हमने दो तीन फॉर्मूले आज देखे हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा कि क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ए। दूसरा हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमने आई के बारे में जाना, आई क्या होता है क्यू अपॉन टी होता है, ठीक। फिर हमने एक फॉर्मूला और कौन सा देखा, वी का देखा, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब इन तीनों फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया है तो आप यहाँ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर क्यों इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या आ सकता है, यहाँ पर एन ई भी आ सकता है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलों में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं इन फॉर्मूलों के आधार पर ही। तो इन तीन फॉर्मूलों के आधार पर आप कुछ और क्वेश्चन हैं जिनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन दो क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे और ये कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आने वाली क्लास में जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दे रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगा, हम अपने आंसर वहां पर मैच करेंगे। और साथ ही आप चाहें तो, क्योंकि ये वीडियो YouTube के लिए बना हुआ है, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस बनाइए और इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।